सो गाइस कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कॉल के साथ। मोटर हल्की सी टाइट है, तो जी हमारा नेक्स्ट कॉल भी बन चुका है। इस तरह से यू नीचे करिए, सेपरेशन का आपने खास ख्याल रखना है, सेपरेशन साथ ही में डालना है, बाद में बहुत दिक्कत होगी।
फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम दो या तीन पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज कोऑपरेट विद अस। तो इस तरह हैमर की हेल्प से आप इसको नीचे कीजिए। गाइस
वी विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट कॉइल। पांचवा कॉइल हम डालने जा रहे हैं। इसकी जो टर्न रहेगी वो रहेगी 60, पिच रहेगी 1 से 6, और इसका जो स्टैंडर्ड वायर गेज रहेगा वो रहेगा 23। 23 नंबर से वाइंड कीजिए, 60 टर्न डालिए और पिच रखिए 6, 1 से 6, और सेट चलेगा इसमें 2 का। आप इसको सिंगल सेट से भी रिवाइंड कर सकते हैं। अगर आपको उसका डाटा चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर हमारी जो वेबसाइट है www.motorcoilwindingdata.blogspot.com, वहाँ पर जाकर आप विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको इसके सिंगल सेट का भी डाटा मिल जाएगा और जो डबल लेयर है उसका भी डाटा मिल जाएगा 2 के सेट का, और साथ ही में आपको इस मोटर के कनेक्शन का डायग्राम भी वहां पर मिल जाएगा। YouTube में आप यहां पर इसका वीडियो देखिए, डाटा की डिटेल के लिए ब्लॉग स्पॉट पर विजिट कीजिए, और कनेक्शन भी आप हमारे ब्लॉग स्पॉट पर इसके देखिए। ब्लॉग स्पॉट का एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लिखिए, लाइक कीजिए, सेपरेशन साथ में जरूर डालना है, क्योंकि बाद में सेपरेशन डालना इसमें 3-phase मोटर में काफी मुश्किल होता है। ये हम डालेंगे इसका यू,
सो फ्रेंड्स, इसी तरह से क्वाइल डालते हुए आगे बढ़ते जाइए। इसी तरह से प्यार से इसके जू डालते जाइए, थोड़े से टाइट जरूर है। अगर आपको डबल सेट में मोटर बांधने में तकलीफ हो रही है, थोड़ी सी टाइट लग रही है, तो आप इसको सिंगल सेट में वाइंड कीजिए, उसमें मोटर काफी लूज हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे शेक वाल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारी आधी मोटर जो बन चुकी है, आधा सफर हमने तय कर लिया। ऐसे ही हम बाकी का सफर तय करेंगे और अपनी मंजिल पर, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। फ्रेंड, कॉन्सेंट्रेट करते हैं नेक्स्ट कॉल पर।